नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार चौक चौबंद व्यवस्था की गई है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ताकि मतगणना स्थल पर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो सके। वहीं यातायात के रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडिशनल SP प्रदीप सेंडे जी, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्था की गई और यातायात के नियमों को जो यातायात को रूट को डाइवर्ट किया गया उसमें क्या क्या व्यवस्था की गई है। आज की काउंटिंग को लेकर के पुलिस जबलपुर के द्वारा व्यापक स्तर पे एनालिसिस करके हमने सुरक्षा व्यवस्था लगाया है। इसमें सबसे पहले इनर कार्डन में, फिर मिडिल कार्डन में और आउटर कार्डन में हमने व्यवस्था लगाया है। जो भी यहाँ पे अधिकारी और चुनाव से संबंधित जो भी एजेंट्स आएंगे उनके लिए हमने अलग अलग पार्किंग और एंट्रेंस गेट अलग अलग रखा है ताकि किसी प्रकार का व्यवधान न हो सके। हमने जो स्ट्रांग रूम है उसके चारों ओर दो राउंड में हमने ट्रैफिक रोकने का व्यवस्था किया है। इसमें जो बिल्कुल क्लोजेस्ट है उसमें और एक सेकेंड आउटर गार्डन पे, जहाँ पे कि जो भी बाहर से वाहन आते हैं उनको वहीं पे जानकारी दे दी जाती है कि आप लोगों का पार्किंग कहाँ पे, ताकि जो स्ट्रांग रूम है उसके पास में किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रैफिक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आ सके और जो भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे चुनाव का कार्य संपादित करने आ रहे हैं उनको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथ ही हमने यहाँ पे कानून व्यवस्था को देखते हुए भी व्यापक स्तर पे एनालिसिस किया है और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया ताकि किसी भी प्रकार की अगर कोई भी कानून व्यवस्था आती है तो उसका हम समय रहते सही सही निराकरण कर सकें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो भी पुलिस फोर्स लगा है इस ड्यूटी को बखूबी शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे एडिशनल SP प्रदीप सेंडे जी, जिन्होंने बताया कि यातायात व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएँ की गई हैं। ठीक मेरे पीछे जो आप दिखा रहे हैं ये यहाँ पर जो यातायात पुलिस से लेकर जिला बल भी मौजूद है और लगातार मुस्तैदी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। वहीं जब मतगणना स्थल पर चुनाव व्यवस्था के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और इन्हीं का नियमों का पालन भी किया जा रहा है और लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्याओं का व्यवधान उत्पन्न ना हो। और वहीं पार्टी के प्रत्याशी भी लगातार मतगणना स्थल से कुछ दूरी पर बनाए गए समय सीमा या निर्धारित की गई गाइडलाइन के अनुसार ही वो यहाँ पर प्रवेश किया जा रहा है और लगातार यह चौक चौबंद व्यवस्था जो बनाई गई है जिला प्रशासन के द्वारा बनाई गई है और इसे देखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की पैनी नज़र इस पूरे मामले पर बनी हुई है लगातार, ताकि मतगणना स्थल का भी किसी प्रकार की कोई समस्याओं का लोगों को सामना न करना पड़े और मतगणना स्थल पर जो व्यवस्थाएँ की गई हैं उनको भी सुदृढ़ बनाया जा सके।